चलिए स्टूडेंट्स, हरियाणा जीस को आगे बढ़ाते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विजय सफर पे। मैं विजय मलिक आपको हरियाणा जीएस के जितने ज़िले हैं पहले उनके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जो ये ज़िले कंप्लीट होते हैं उसके बाद थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे पूरे हरियाणा भौगोलिक, पूरे हरियाणा राजनीतिक, खेल, जो भी कुछ है पूरा हरियाणा पेपर की दृष्टि से। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने कापी पेन बुक जो भी नोटबुक आप रखते हैं समझिए और लिखते भी चलिए। आज की अपने इस वीडियो में हम सोनीपत पार्ट एक के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सोनीपत पार्ट दो, उसके अंदर स्टूडेंट्स जो पर्सनैलिटीज़ हैं, आपके योगेश्वर दत्त हैं, आपके कई और खिलाड़ी हैं, जो काफ़ी खिलाड़ी हैं प्रचुर मात्रा में सोनीपत में, उनके बारे में और जो सांग काव्य पार्ट टू के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट कीजिए, बात करते हैं सोनीपत पार्ट एक। पहले थोड़ा अवस्थिति के बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके उत्तर में पानीपत जिला है, इसके पश्चिम में जींद जिला है, दक्षिण में रोहतक और दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और स्टूडेंट्स इसके पूर्व में यमुना नदी है। यमुना नदी जो इसको उत्तर प्रदेश से अलग करती है। प्रमुख प्रमुख शहर स्टूडेंट्स यहां पे दर्शाए गए हैं। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र भी है, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र, गोहाना, खरखोदा। राई प्रसिद्ध है स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, मुरथल भी स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स पहले उपनाम से और फिर प्राचीन नामों से और फिर क्या क्या सोनीपत के अंदर चीजें हैं, एजुकेशन क्या है उसके बारे में बात करें। देखिए स्टूडेंट्स, प्राचीन नाम स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट कीजिए। सोनीपत के प्राचीन नामों के बारे में बात करते हैं। प्राचीन नाम, आई होप कि कॉपी पेन पेंसिल आपके पास हैं और आप इन चीजों को लिख रहे हैं। लिखिए स्टूडेंट्स प्राचीन नाम, मायना कोई, मायना कोई, सप्तकुंभा, जलालाबाद, जलालाबाद, और स्टूडेंट्स एक और रहता है सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ। ये स्टूडेंट्स प्राचीन नाम इसके सोनपत्ती, मायना कोई, सप्तकुंभा, जलालाबाद और सोनप्रस्थ। उपनाम स्टूडेंट्स, उपनाम और प्राचीन नाम में क्या फर्क है? प्राचीन नाम पहले वो नाम था, फिर उस नाम को चेंज किया गया। उपनाम उस शहर की एडजेक्टिव क्या है, विशेषताएं क्या है। उदाहरण के तौर पर स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी जो है स्टूडेंट्स वो सोनीपत को कहते हैं, क्योंकि जिले में सबसे ज्यादा 6 यूनिवर्सिटी जो है वो सोनीपत में है। एजुकेशन हब रोहतक को कहते हैं, एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहते हैं। लिखिए चरण आगे लिखिए, एजुकेशन सिटी के बाद सोने का शहर, सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर, किसको कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स लिखिए सावनप्रस्थ, ये इसके स्टूडेंट्स क्या है, आपके उपनाम है, ये प्राचीन नाम है। परीक्षा की दृष्टि से दोनों स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको लिखते रहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए सोनीपत आपके पूरे प्रदेश में, आपके पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसके बारे में बात कीजिए। देखिए सूरजमुखी प्लस खुम्भी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। खुम्भी स्टूडेंट्स एक सब्जी में यूज करते हैं, एक सफेद कलर की होती है, हालांकि मैंने देखा है अभी सब्जी कभी खाई नहीं है, लेकिन ये पता है कि खुम्भी एक सब्जी होती है। सूरजमुखी स्टूडेंट्स तेल निकालते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, सूरजमुखी का तेल थोड़ा तीखा होता है। तो स्टूडेंट्स दोनों के उत्पादन में पहले स्थान पर सोनीपत है, हालांकि पूरे देश भर में एक गाँव है उसके बारे में लिखिए स्टूडेंट्स, वो खुबड़ू गांव है सोनीपत में,
खूबड़ू गांव है। खूबड़ू गांव स्टूडेंट्स ये पूरे देश में खुम्बी उत्पादन के लिए, मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे, राजा हर्षवर्धन की मोहरें मिली है। राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की मोहरें कहाँ मिली हैं, आपके सोनीपत में। पूरे देश के अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन थे, उसकी मोहरें कहाँ मिली हैं, सोनीपत में। पूरे दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। जहां तक हिस्ट्री का प्रश्न है, दो प्रश्न नोट कीजिए कि पूरे देश के अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन थे और पूरे दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। बात सोनीपत के ऊपर आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, लिखिए उसके बाद एथेनॉल प्लांट। एथेनॉल प्लांट जो है ये सोनीपत में स्थापित किया गया है। एथेनॉल कच्ची शराब को कहते हैं। आपकी शराब में, वाइन में यदि एथेनॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, शराब जहरीली हो जाती है, मर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एथेनॉल कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है, सोनीपत में। स्टूडेंट्स बात करते हैं एजुकेशन सिटी की। यहाँ पे कहा गया है कि एजुकेशन सिटी किसको कहते हैं, सोनीपत को। लिखिए स्टूडेंट्स क्या कारण है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा एजुकेशन फैली है। लिखिए स्टूडेंट्स हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल, हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल कहां पे खोला गया, आपकी राई। यहां पे दर्शाया गया है सोनीपत से ठीक नीचे राई, राई के अंदर स्टूडेंट्स खोला गया था 1973 में, 1973 मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई प्रसिद्ध है पूरे हरियाणा के अंदर। राई के अंदर स्टूडेंट्स दो और विश्वविद्यालय भी प्रस्तावित हैं। एक तो स्टूडेंट्स खेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है राई में ही, राई में खेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, अभी तैयार नहीं हुआ है, प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा स्टूडेंट्स पर्यटन विश्वविद्यालय भी, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स ये प्रस्तावित है, दोनों के दोनों प्रस्तावित है, दोनों कहां पे, राय के अंदर इनकी शुरुआत की जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे मुरथल के बारे में बात करते हैं। पिछले दिनों चर्चा में रहा मुरथल, लेकिन मुरथल में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल के अंदर खोला गया 1987 में। लिखते रहेंगे स्टूडेंट्स दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, ये भी मुरथल में है, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, ये भी स्टूडेंट्स कहां पे खोली गई है, मुरथल के अंदर ये कॉलेज खोला गया। यहाँ पे दिखाया गया है मुरथल, गन्नौर से ठीक नीचे जो है मुरथल दिखाया गया है। चलिए स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। एक महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खोला गया है, खास तौर पे खानपुर कला। खानपुर कला कहाँ पड़ता है, सोनीपत में। देखो उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय ये स्टूडेंट्स खोला गया है खानपुर कला। खानपुर कला स्टूडेंट्स, खानपुर काफी सुनने को मिलता है, पॉपुलर सी जगह है, कई जगह मिल जाएगी, लेकिन बात करें सोनीपत वाले खानपुर की। स्टूडेंट्स और क्या है, देखिए यहां पे दर्शाया गया गन्नौर। गन्नौर में स्टूडेंट्स फल और सब्जियों की एक अंतरराष्ट्रीय मंडी स्थापित की गई है गन्नौर। गन्नौर मेरे को याद आता है कुलदीप शर्मा कांग्रेस से यहाँ से चुनाव लड़ते हैं गन्नौर से,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जियों की मंडी विकसित की गई है। साइकिल उद्योग के लिए स्टूडेंट्स प्रसिद्ध है मिल्टन साइकिल जो है उद्योग, प्लस में आपकी एक्लस साइकिल जो है सोनीपत के अंदर, काफी दफा पढ़ा होगा आपने। एक्लस साइकिल कहां बनती है? सोनीपत में। मिल्टन साइकिल कहां बनती है? सोनीपत में। उसके बाद स्टूडेंट्स एक नई रेल कोच फैक्ट्री जो है गन्नौर के अंदर स्थापित की जाएगी, कपूरथला के अंदर भी है, चेन्नई के अंदर भी है, अभी गन्नौर के अंदर नई रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? प्राचीन नाम, प्राचीन उपनाम, एजुकेशन सिटी के बारे में, जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं उनके बारे में, प्लस आपकी अंतर्राष्ट्रीय मंडी के बारे में गन्नौर, प्लस के अंदर आपकी साइकिल उद्योग मिल्टन उद्योग। पार्ट टू में स्टूडेंट सोनीपत पार्ट टू में थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि जो पर्सनलिटीज सोनीपत पार्ट टू में आएंगी, चाहे वो खेल क्षेत्र से हो, चाहे वो काव्य से हो, चाहे वो आपके संगीत से हो, चाहे आपके वो किसी अन्य क्षेत्र से हो, बहुत सारी पर्सनलिटीज जो हैं वो बचती हैं परीक्षा के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स पार्ट टू के अंदर हम सोनीपत के अंदर जितनी पर्सनलिटीज हैं जिन्होंने सोनीपत को देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नक्शे पे उकेरा है उनके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो जल्द ही सोनीपत पार्ट टू भी अपलोड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अच्छे से हरियाणा जीके की तैयारी करते रहिए, अभी हरियाणा पुलिस एग्जाम आपका आने वाला है, तो स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।